हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट एक्सटेंशन के बारे में। क्या आपके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाएगा या फिर नहीं। दोस्तों, इससे पहले बात करते हैं आपके असाइनमेंट सबमिशन के बारे में कि आपके लिए आपके असाइनमेंट सबमिट करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना ज़रूरी होता है। दोस्तों, यहाँ पर आपने जब अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपने यहाँ पे देखा होगा आपको दो तीन पॉइंट्स में यही बात लिखी हुई है कि आपको अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे टाइम रहते हुए सबमिट करने हैं। आप अगर अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं तो आपकी हॉल टिकट जनरेट नहीं की जाएगी। मतलब दोस्तों, अगर आपकी हॉल टिकट जनरेट नहीं की जाती है तो आप अपने एग्ज़ाम्स में नहीं बैठ पाएंगे। दोस्तों, इसके बाद में ये आपका नेक्स्ट पेज है, यहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स फिलअप की होंगी अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे भी आपको यही लिखा हुआ है कि आपको अपने असाइनमेंट्स सबमिट करने हैं। आप अगर अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं तो उन सब्जेक्ट्स के लिए आप अपने एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला पेज है जिसमें आपकी सभी डिटेल्स ओपन हो जाती हैं और आपसे यहाँ पर पूछा जाता है आर असाइनमेंट्स सबमिटेड फॉर द अबव कोर्सेज यस और नो। तो मैंने आपको यही गाइड किया था कि आप यहाँ पर यस के ऑप्शन को सेलेक्ट करके और अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप अगर यहाँ पे नो के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपका एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पे ये जो चार पॉइंट्स दिए हुए हैं इनमें भी आपको यही बताया गया है कि आपको अपने असाइनमेंट्स अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करने कंपलसरी होते हैं। सो दोस्तों, बात करते हैं आपके असाइनमेंट सबमिट की लास्ट डेट के बारे में। दोस्तों, जनरली आपकी लास्ट डेट 30 सितम्बर दी जाती है, लेकिन अभी जैसा आप देख रहे हैं 30 सितम्बर एक या दो दिन बचे हुए हैं। सो दोस्तों, ऐसे केस में आप अपने असाइनमेंट्स किस तरीके से बनाएं कि आप जल्दी से जल्दी अपना असाइनमेंट बना सकें और जल्दी से अपने स्टडी सेंटर में उन्हें जमा करवा सकें। दोस्तों, काफ़ी ऐसे स्टडी सेंटर्स हैं जहां से आपको मैसेज आया होगा कि आप अपने असाइनमेंट्स 5 अक्टूबर तक जमा करवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के लिए 5 अक्टूबर तक लास्ट डेट दी गई है विदाउट लेट फीस। सो दोस्तों, आप जल्दी से अपने असाइनमेंट्स अपने स्टडी सेंटर में सबमिट करवा दीजिए। दोस्तों, पिछली बार सितंबर 18 में जो आपके असाइनमेंट सबमिट हुए थे उस टाइम पे भी आपकी लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया था और उस वक्त 10 नवंबर 2018 तक आप अपने असाइनमेंट्स सबमिट करवा पाए थे। इसी तरीके से दोस्तों, मार्च 2019 में भी आपके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया था और आप यहाँ पर 15 मई तक अपने असाइनमेंट्स सबमिट करवा पाए थे। सो दोस्तों, इसी तरीके से हम इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट को 10 नवंबर तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आप ज़्यादा वेट ना करते हुए जल्दी से अपना असाइनमेंट बना के अपने स्टडी सेंटर में जमा करवा दीजिए। दोस्तों, आप अगर अपने असाइनमेंट्स बनाने में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आप अगर अपना असाइनमेंट नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके अपने असाइनमेंट्स के लिए सोल्ड असाइनमेंट PDF हमसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, आप उन असाइनमेंट्स को परचेज करके अपनी ऑन हैंड राइटिंग में उन्हें लिखकर अपने स्टडी सेंटर में जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, आपके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट एक्सटेंशन के बारे में इग्नू की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। जैसे ही कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। सो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।